दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लाट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। कुछ लोगों की डिमांड आई थी कि सर कुछ अच्छा सा दिखाओ। हमने जो NSG का डाला था पसंद आया, हम उससे बेटर लेके आए हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। ये मैं सर आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको शांति चाहिए तो JP ग्रीन्स में आपका स्वागत है। एक बार यहाँ का पार्क देख लीजिए। इसके आगे तो अमरीका भी कुछ नहीं है जी, फेल है अमरीका। परिंदों की आवाज, हाँ। कितनी सुंदर आवाज आ रही है। अमरीका फेल है, फुद्दू है अमरीका बिल्कुल जी। देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बने हुए पार्क। अंदर आप देख रहे हैं योगा, हाँ जी। और ये बिल्कुल देखिए बहुत शानदार घर JP ग्रीन्स के अंदर। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंटेड सड़कें। और मेरी मदद करेंगे तरुण सर, उनसे दो बातें करेंगे। तरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सर कुछ बताइए कि कहाँ खड़े हैं, क्या है ये, क्या जीवन है यहाँ का? सर ये है ग्रेटर नोएडा, आपने सुना होगा। परी, हाँ चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पे है सर ये। या परी चौक को फाड़ दो, अंदर आ जाओ तो सीधा यहीं आओगे। अगर परी चौक पे गाड़ी नहीं रोकनी, आप जहाज बना दो तो अंदर आगे गिरोगे इसके। तो ये है JP ग्रीन्स, सपनों की नगरी। और ये उसका पार्क है। तरुण गोस्वामी सर हमें बता रहे हैं इसके बारे में। तरुण गोस्वामी सर यहाँ 17 सालों से सर्विस दे रहे हैं। वो हमें आज यहाँ इस प्रॉपर्टी पे लेके आए, शानदार प्रॉपर्टी पे। वो एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, उनकी बड़ी वाइड नॉलेज है ग्रेटर नोएडा के बारे में। तो तरुण सर हमें लेके आए आज। ये पाइप है जी, खोदनी नहीं है आपको। कभी खोदा खादी करनी हो तो इनको फ़ोन करना पड़ता है, ये आपके घर आके खुद ही कनेक्शन लगा जाते हैं। सर ये पूरा IGL ने डाला हुआ है। ये अभी जिस एरिया में हम खड़े हैं ये सारा आपका विलाज एरिया है टोटल। ओके। और नियर अबाउट सर यहाँ 200+ विलाज हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो सर इनके खुद के अपार्टमेंट्स भी हैं, जिसका अगर आप कॉस्ट वाइज जाएंगे सर, अपार्टमेंट की शुरुआत इनकी 85 लाख से शुरू हो जाती है। ओके। और वो CRs में जाती है। अच्छा सर, ब्यूरोक्रेट हैं जो हाई लेवल के प्रोफेशनल हैं, IT प्रोफेशनल हैं, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में उनका मन लग गया जी। दिल्ली से परेशान है, वो यहाँ आके रहना चाहते हो। सर इससे ज़्यादा सुकून कहीं नहीं मिलेगा जितना सुकून यहाँ है। क्योंकि सर कोई आप देख लीजिए, नॉइज़ भी किसकी है सर, सिर्फ परिंदे। आपको इतना अच्छा लगेगा जब परिंदे बोलते हुए। यहाँ सर मोर भी आते हैं। यहाँ थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको चल के वॉक करते हुए। देखिए एक तो नीचे सड़कें सीमेंटेड सड़कें हैं, और जो लैंप हैं वो इंटरनेशनल लेवल के लगे हुए हैं। और यहाँ पे हर एक सर्विस अवेलेबल है। बल्कि मैं कहता हूँ ये हम परी चौक के ऊपर है, सबसे अच्छी बात ये हम परी चौक के ऊपर है। पिन ड्रॉप साइलेंस है, घर ऐसे लोग बनाते हैं इंटरनेशनल स्टाइल में। यहाँ के पेड़ बड़े सिमेट्रिकल। और ये यहाँ का डेकोरम है, ऐसा नहीं है ये फुल हो गया है, यहाँ भी घर खाली हैं, बन रहे हैं। सर, बिल्कुल सर, ये देखिए ये राजस्थान से पत्थर आया, अभी रात को ही आया ट्रक। और ये कोठी बन रही है आपके सामने, देखिए नया काम चल रहा है। और आगे भी कोठी बन रही है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी बारिश रुक चुकी है, अभी हम स्ट्रीट नंबर 1 पे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये आपको पसंद आएगी ये जगह। ये सामने बिल्कुल जो बिल्डिंग देख रहे हैं अर्थ टावर, इसमें मेरे दोस्त रहते हैं गिरीश शर्मा जी। और वो सर JP को पिछले शायद 20-25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उनके बेटे हैं भरत शर्मा, बहुत ही लकी मैन। हमने उनका इंडस्ट्रियल प्लाट अप्लाई किया और उनको निकला, और एक ही झटके में उनको 20 लाख का फ़ायदा हुआ, 15 से 20 लाख का। तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से शुभकामनाएँ गिरीश शर्मा जी को। ये सामने रहते हैं बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर। और ये आप देख रहे हैं JP ग्रीन्स, और ये यहाँ के विलास, ये तो तैयार हैं जो आप सामने देख रहे हो, और ये बन रहे हैं। तो अगर आपका यहाँ मन है तो हम आपको यहाँ भी शिफ्ट करवा देंगे। रोड देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, सेफ्टी है। देखिए घर खुला पड़ा है, कोई टेंशन ही नहीं है। वहाँ वो रबड़ ऐसी आती है जिस पे बैठ के आप चाय वाय पी सकते हैं। देखिए ना जी, आजकल वो ऐसी कुर्सियाँ डलती हैं ना सर, जिस पे बैठ के कभी भी चाय पी लो, ख़राब नहीं होती हैं। ये कुर्सियाँ आती हैं ना सर आजकल बारिश वाली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बारिश वाली सबसे बढ़िया है यहाँ पे, हाँ। सेफ्टी बहुत ही अच्छी है। नहीं पूरा इसमें जैसे नॉर्मल एक कॉलोनी में 100 कैमरे लगाने चाहिए, तो यहाँ 1000 कैमरे लगे हैं सर, ये जगह सर जगह पे। आपको बताना चाहूंगा, एक छोटा सा शहरी समझिए, हाँ। सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी बच्चे को अगर खेलने का शौक है तो इसके अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है अलग से।
इंटरनेशनल लेवल का, और ये जेपी ग्रीन्स बास्केटबॉल की टीम को स्पॉन्सर करती है जो इंडिया के लिए लड़ती है, फाइट करती है, उनका एक क्लब है। हम उसका भी एक वीडियो देंगे स्पोर्ट्स क्लब के ऊपर, ताकि आप देख सकें कि अगर बच्चा खेलना चाहे तो सारी है अंदर। क्रिकेट स्टेडियम भी है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, तो बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बना है। इसके अंदर गोल्फ कोर्स है, गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप तो शायद महंगी है, मुझे पता नहीं है, शायद 16-17 लाख रुपए की हो गई है। और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसकी भी मेंबरशिप है, पहले शायद 2 लाख की थी, वो अब शायद बढ़ गई है, मुझे आइडिया नहीं है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये हमने आपको दिखाया जेपी ग्रीन्स का एक माहौल, कि यहाँ पे माहौल कैसा है जेपी ग्रीन्स का। मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ऐसी प्यार बनाए रखें, देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।